स्पेशल कुकिंग क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम गणेश चतुर्थी स्पेशल लड्डू की रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से। इस तरह से आप मोदक भी बना सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं। आज हम चना दाल से लड्डू की रेसिपी बनाएंगे। लड्डू की रेसिपी बनाने के लिए चना दाल को हम 4 से 5 घंटा के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे और इसे अच्छा से साफ कर लेंगे। साफ करके बिना पानी डाले चना दाल को हम ग्राइंड करेंगे। इसे ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, हल्का मोटा ही पेस्ट रखेंगे। पेस्ट हम बना लिए हैं, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई घी में भी कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल में भी कर सकते हैं। कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल रखेंगे और अच्छा से गरम कर लेंगे। एक छोटा सा पीस बनाकर चेक कर लेंगे। तेल हमारा अब अच्छा से गरम हो गया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। छोटा छोटा पीस बनाकर फ्राई कर लेंगे। थोड़ा देर हम एक तरफ से सिकने देंगे, उसके बाद हम इसे पलटकर दोनों तरफ से अच्छा से सेक लेंगे। अब ये सेका गया है, इसे ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करेंगे, हल्का ही कलर में सेकेंगे। इन सबको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा तोड़कर इसे पंखा में रखने से जल्दी ठंडा हो जाएगा, थोड़ा देर में ही ये ठंडा हो जाता है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे अब ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, हल्का मोटा ही इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब ये ग्राइंड हो गया है, इसे हम फिर से भून लेंगे। इसी कढ़ाई में अब हम फ्राई कर लेंगे। इसमें से तेल को हम निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा घी और थोड़ा सा तेल मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा भुना जाने के बाद इससे अच्छी खुशबू आने लगती है। अब ये भुना गया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ज़्यादा कलर को चेंज नहीं करेंगे। इसी कढ़ाई में फिर से हम चाशनी बना लेंगे। 250 ग्राम चना दाल हमारा था, 250 ग्राम हम चीनी रखेंगे। चीनी का क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 गिलास पानी रखेंगे और 250 ग्राम चीनी रखकर चाशनी बना लेंगे। तार वाली चाशनी हम नहीं बनाएंगे, हल्का चिपचिपा होने से गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम चेक कर लेंगे, ये इस तरह से चिपचिपा हो जाने से चाशनी हमारा बन गया रहता है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। चना दाल का पाउडर को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके और इसे ठंडा होने देंगे। इसमें ऑरेंज कलर का फूड कलर भी रख सकते हैं। चना दाल का पूरा नेचुरल कलर है, इसमें हम कोई फूड कलर नहीं इस्तेमाल किए हैं। इस तरह से मिक्स करके ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो गया है, अब हम हाथ में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और छोटा छोटा लड्डू बना लेंगे। अब लड्डू के ऊपर हम काजू और किशमिश से सजा देंगे। इसे आप अपने मन पसंद से सजा सकते हैं, इसमें वर्क भी लगा सकते हैं और खरबूजे का बीज भी रख सकते हैं। इस तरह से भी बनाने से बहुत टेस्टी लगता है। चना दाल का हमारा ये लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।